हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जूलॉजी के ऊपर क्विज लेने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जूलॉजी का जो हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द विटामिन दैट इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड इन एनी एनिमल फूड। वो कौन सा विटामिन होता है जो एनिमल फूड में, किसी भी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी, अ डाइट ऑफ ओनली एनिमल फूड्स यूजुअली डजंट कंटेन इनफ विटामिन सी। फॉर दिस रीजन पीपल नीड टू गेट इट फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट्स। हाउएवर, सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम रॉ लिवर, फिश रॉ एंड एग्स। लोअर अमाउंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रॉ मीट एंड फिश। जो विटामिन सी होता है वो विटामिन नॉर्मली एनी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता, क्योंकि अ डाइट ऑफ ओनली एनिमल फूड यूजुअली डजेंट कंटेन इनफ विटामिन सी। ये इसके रीजन्स की वजह से, फॉर दिस रीजन पीपल नीड टू गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट्स। लोगों को ये फ्रूट से लेना पड़ता है, वेजिटेबल से लेना पड़ता है, फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। हाउएवर, सफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम रॉ लिवर, फिश रॉ एंड एग्स। लोअर अमाउंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रॉ मीट एंड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, एलिमेंट्री कैनल इज अब्सेंट इन टेप फॉर्म। जो एलिमेंट्री कैनल है वो टेप फॉर्म में अब्सेंट है। इसका रीजन है डाइजेस्टेड फूड इज रेडीली अवेलेबल, इट इज एब्जॉर्ब बाय द टैप फॉर्म थ्रू द बॉडी सर्फेस। जो डाइजेस्टेड फूड है वो रेडीली अवेलेबल होता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द टैप फॉर्म थ्रू द बॉडी सर्फेस। जो रेडीली अवेलेबल होता है, जो टैप फॉर्म बॉडी सर्फेस से वो एब्जॉर्ब करता है, वो फूड रेडीली अवेलेबल हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनल इज अब्सेंट इन टैप फॉर्म, ये इसका रीजन सही से है कि नहीं हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये दोनों ही सही है। एलिमेंट्री कैनल वो टैप फॉर्म में एब्सेंट होता है, इसका रीजन ये है कि जो डाइजेस्टेड फूड वो लेते हैं या फिर जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड बॉडी सरफेस से टैप फॉर्म, वो ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल होते हैं डाइजेस्टेड फूड, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिसमैचिंग। नीचे देखिए में से कौन से स्टेटमेंट मिसमैच है, यानी कि वो सही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, सेलुलर बाउंड्री, सेलुलर मेम्ब्रेन। सेकंड, सेल कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस। थर्ड, सेल असेंबली लाइन, क्रिप्टोप्लाज्म। एंड फोर्थ, सेल कंट्रोल स्टोरेज एरिया। देखिए यहाँ पे चारों में से कौन से मिसमैच हो चुके हैं ये हमें फाइंड करना है। तो यानी कि 3 सही है और 1 गलत है, और इन चारों में से एक गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 4, सेल कंट्रोल स्टोरेज एरिया। ये गलत है। द वैक्यूल इज द स्टोरेज एरिया ऑफ द सेल। जो वैक्यूल होते हैं वो स्टोरेज एरिया होते हैं सेल के। सेलुलर बाउंड्री, सेलुलर मेम्ब्रेन, वो सही है। सेल कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस, ये भी सही है। एंड सेल असेंबली लाइन, साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। मोस्ट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल। ज़्यादातर सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल्स स्टोर फूड एंड अदर मटेरियल्स नीडेड बाय द सेल। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं खाना, यानी कि फूड एंड अदर मटेरियल्स और बाकी की चीज़ें जो सेल को नीड होती है। दे कैन ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पैस्टुराइजेशन ऑफ मिल्क मीन। जो पैस्टुराइजेशन होता है मिल्क का, उसे क्या कहते हैं? मीन्स हीट ऑफ मिल्क अप टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड्स, देन कूल्ड इट टू 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दूध को गर्म करना 72 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकंड के लिए, फिर उसे 4 डिग्री तक कूल होने तक इंतज़ार करना, या फिर उसे कूल करना, यानी कि उसे इसकी हीट कम करना, या फिर हीट निकालना। हीटिंग ऑफ मिल्क अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हीटिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना। स्कीमिंग फैट फ्रॉम द मिल्क एंड मेकिंग इट होमोजीनियस, यानी कि जो फैट होता है मिल्क से, वो स्कीमिंग फैट निकालना फ्रॉम द मिल्क एंड मेकिंग इट होमोजीनियस, और होमोजीनियस उसे बनाना। वर्किंग मिल्क टू रूम टेम्परेचर एंड देन पैकेटाइजिंग, यानी कि मिल्क को वर्किंग करना रूम टेम्परेचर तक, और फिर उसकी पैकेटाइजिंग करना। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हीटिंग ऑफ मिल्क अप टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द 50 सेकंड्स एंड देन कूल्ड इट टू द 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस तक तपाना 15 सेकंड के लिए, फिर उसे कूल करना 4 डिग्री सेल्सियस तक। पैस्टुराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू बिलो द बॉइलिंग पॉइंट
टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक प्रोसेस है जहाँ पे उस लिक्विड को हीट करना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। इनिशियल पास्टुराइजेशन कंडीशन नोन एज फ्लैश पास्टुराइजेशन। इनिशियल पास्टुराइजेशन कंडीशन जो होती है उसे फ्लैश पास्टुराइजेशन कहा जाता है। वेयर टू हीट द मिल्क टू 155 टू 178 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 155 से 178 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे तपाना, 68.3 टू 81 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इंस्टेंट फॉलोड बाय कूलिंग। इंस्टेंट फॉलोड बाय, फिर उसके बाद उसे इंस्टेंट कूलिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, जो आउटर लेयर होती है स्किन की उसे क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, पॉलियोमाइलिटिस या लिप्रोसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट ऑफ द 3 लेयर्स दैट मेकअप द स्किन। एपिडर्मिस ये सबसे बाहर की लेयर होती है 3 लेयरों में से, लेयर्स में से, जो कि स्किन को बनाती है। द इनर लेयर बिंग द डर्मिस, सबसे इनर लेयर क्या होती है? डर्मिस होती है। फिर हाइपोडर्मिस आती है जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में होती है, और लास्ट में एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की। द एपिडर्मिस लेयर प्रोवाइड्स अ बैरियर टू इन्फेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल पैथोजेंस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो बैरियर प्रोवाइड करते हैं, एज ए बैरियर प्रोवाइड करते हैं टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए जो एनवायरमेंटल पैथोजेंस से आते हैं। एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन टू द एटमोसफियर, और वो रेगुलेट भी करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, जो कि अमाउंट ऑफ, जब जितने वाटर अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होते हैं बॉडी से उस पर, इन टू द एटमोसफेयर थ्रू द ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस, थ्रू द ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस से वो ये इस तरह से, इसकी मदद से वो जितना पानी या फिर स्वेट से निकल जाता है यानी कि बाहर निकलता है, उसको अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन टू द एटमोसफेयर थ्रू एपिडर्मल वाटर लॉस, इसकी वजह से वो रेगुलेट करते हैं। ये देखें यहाँ पे उसके डायग्राम है, ये एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस, और फिर हेयर फॉलिकल, और जो बीच की लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है एक्चुअली। तो ये देखिए ब्लड वेसल दिखाई दे रहे हैं, सेंसरी नर्व भी है जो छोटे से हैं, लाल वाले ब्लड वेसल है जो छोटे से एक ही लेयर है, वो एक ही लाइन है दिख रहे हैं, वो सेंसरी नर्व है, और जो बाकी के फाइब्रोब्लास्ट है, जो बाकी का मलबा यहाँ पे दिख रहा है या फिर जो भी है वो स्किन टाइप, वो स्वेट ग्लैंड देखिए यहाँ पे, वो थोड़ी सी कर्व के हैं, नीचे सब कुछ फैट होता है बॉडी का। और हेयर फॉलिकल, जो हेयर का जो रूट होती है या फिर जो गैप होते हैं जिससे हेयर निकलते हैं थोड़े अन्नर से, जो इसे नहीं कहते क्या कि जड़ से, वो हेयर फॉलिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस इज दैट, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वायरस का वो कौन सा होता है? ऑप्शन, इट इज मेडअप ऑफ फैट्स, ये फैट से बना होता है। इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन डेड एनिमल्स, ये मल्टीप्लाई होता है सिर्फ डेड एनिमल्स में। इट मल्टीप्लाई ओनली ऑन होस्ट, ये मल्टीप्लाई होता है सिर्फ होस्ट पे, या इट लैक्स क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल की कमी होती है इसमें। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सही रीज़न है, इसका सही आंसर है, इट मल्टीप्लाई ओनली ऑन होस्ट। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस इज दैट इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दे प्रोड्यूस एट ए फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल, वो बड़ी ही फैंटास्टिक रेट से यानी कि बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल, लेकिन सिर्फ लिविंग होस्ट सेल पे ही वो मल्टीप्लाई होते हैं। दे कैन म्यूटेट, और वो म्यूटेट भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर असेलुलर, दैट इज दे कंटेन नो साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनल्स, वो असेलुलर होते हैं यानी कि उनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता और सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन, वो किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म खुद से नहीं करते हैं। एंड मस्ट रिप्लिकेट यूज द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, और जो रिप्लिकेट करते हैं वो होस्ट सेल के मेटाबॉलिक मशीनरी की मदद से ही करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वायरसेस डोंट ग्रो एंड डिवाइड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वायरसेस ग्रो होते नहीं और डिवाइडेड होते नहीं। इंस्टेड न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल, यानी कि जो इंस्टेड, अगर वायरसेस खुद ग्रो भी नहीं होते और डिवाइड भी नहीं होते, इंस्टेड यानी कि इसके अलावा न्यू वायरल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं यानी कि बनते हैं, और असेंबल होते हैं यानी कि उस असेंबली होते हैं, यानी कि जैसे अगर कोई मिक्सर अगर असेंबल करना है तो पहले नीचे का पार्ट, फिर ऊपर का पार्ट,
फिर अंदर के वो घुमाने पड़ते हैं, फिर डालना पड़ता है, फिर मिक्सर ऑन करना पड़ता है। ये अलग अलग कंपोनेंट जब असेंबल होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो उसे असेंबल कहते हैं। फिर असेंबल होते हैं विथ इन द इन्फेक्टेड हॉट सेल, और जो जिसको इन्फेक्ट करना है उस इन्फेक्ट हॉट सेल के अंदर ही ये सब होता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वायरसेस पजेसेस आइदर DNA और RNA, बट नॉट बोथ। जो वास्ट मेजोरिटी होती है वायरसेस की, मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी होती है वायरसेस की, वो एक तो DNA कंटेन करते हैं, पजेस करते हैं, या फिर RNA, लेकिन दोनों उनमें नहीं होता। ये देखिए जनरल कैरेक्टर्स, वायरसेस आर मेटाबॉलिकली इनर्ट, वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि वो खुद से कभी भी मेटाबॉलिज्म मशीनरी उनके पास नहीं होती, वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन या फिर खाना वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेस कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए होस्ट सेल। वायरसेस कभी भी एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकते, बिना होस्ट सेल के हेल्प लिए वो कभी भी एनर्जी और प्रोटीन्स नहीं बना सकते। वायरसेस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल्स यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी। वायरसेस क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं लिविंग सेल के अंदर, किसकी मदद से? तो होस्ट सेल मशीनरी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एडिनॉइड इज द डिसीज इन विच। एडिनॉइड ये बीमारी है किसकी? इन विच, जिसमें थायराइड एनलार्ज होते हैं, यानी कि जो थायराइड है गले का भाग वो एनलार्ज होता है, बढ़ता है, स्प्लीन एनलार्जेस या जो स्प्लीन है वो एनलार्ज करते हैं, नसल टॉन्सिल एनलार्जेस या फिर नसल जो नाक के टॉन्सिल्स होते हैं वो एनलार्ज करते हैं, टॉन्सिल एनलार्जेस या फिर टॉन्सिल एनलार्ज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नसल टॉन्सिल एनलार्जेस। एडिनॉइड इज द डिसीज इन विच नसल टॉन्सिल एनलार्जेस, यानी कि बड़ा होते हैं नसल टॉन्सिल। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी एनलार्ज एडिनॉइड्स इज द अनयूजुअल ग्रोथ हाइपरट्रॉफी ऑफ द एडिनॉइड पैरानिकल टॉन्सिल फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1868 बाय द डेनिश फिजिशियन विलहेम मेयर 1824 टू 1895 इन कोपेनहेगन। ही डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी दैट विल कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नसल एयरवेज। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी यानी एनलार्ज एडिनॉइड्स इज द अनयूजुअल ग्रोथ, ये अनयूजुअल ग्रोथ होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ द एडिनॉइड की पैरेन्गियल टॉन्सिल। एडिनॉइड को क्या कहते हैं? पैरेन्गियल टॉन्सिल। फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1868, सबसे पहले डिस्क्राइब कब किया गया इसे? 1868 में बाय द डैनिश फिजिशियन विलहेम मेयर। किसने की? तो डैनिश फिजिशियन विलहेम मेयर ने। उनका जन्म तारीख थी, जन्म वर्ष था 1824 और मृत्यु का वर्ष था 1895 इन कोपेनहेगन, और वो कोपेनहेगन के रहवासी थे। ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी दैट विल कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नसल एयरवेज। उन्होंने डिस्क्राइब की लॉन्ग टर्म एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, जो एडिनॉइड कहा जाता है वो एक लॉन्ग टर्म होता है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से नसल एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम, एनलार्ज एडिनॉइड ब्लॉक्स इन चेस्टियन ट्यूब एंड एयर पैसेज, जो एयर पैसेज है और स्टेचियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देता है एनलार्ज एडिनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एड्स अफेक्ट दिस सिस्टम। एड्स किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, या नर्वस सिस्टम को? लेकिन तो इसके इन चारों में से ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को एड्स अफेक्ट करता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV, आप जिसमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन HIV का कहते हैं इसे, और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स AIDS भी कहते हैं। इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन, ये एक स्पेक्ट्रम होता है कंडीशन का, कॉज बाय इन्फेक्शन विद इन द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये किसकी वजह से होता था, किसके इन्फेक्शन से, किस वायरस के इन्फेक्शन से होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। नीचे दिए गए में से कौन सा करेक्टली मैच है? ऑप्शन नंबर 1, कॉकरोच 13 हार्ट चेंबर्स, फ्रॉग 4 हार्ट चेंबर्स, थर्ड पिजन 3 हार्ट चेंबर्स, फोर्थ रैबिट 2 हार्ट चेंबर्स। तो इन चारों में से कौन करेक्टली मैच है? कॉकरोच के पास 13 हार्ट चेंबर्स होते हैं, फ्रॉग के पास 4 हार्ट चेंबर्स होते हैं,
पिजन के पास 3 हार्ट चेंबर्स होते हैं क्या रैबिट के पास 2 हार्ट चेंबर्स होते हैं? तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉकरोच हैव 13 हार्ट चेंबर्स। दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रस्ट, दिस इज द करेक्टली मैच पेयर। और कॉकरोच हैज 1 हार्ट, कॉकरोच के पास एक ही हार्ट होता है लेकिन उस हार्ट के पास 13 चेंबर्स होते हैं, यानी कि देखिए कि हमारे पास 4 चेंबर्स होते हैं ह्यूमन के पास, और कॉकरोच के पास 13 चेंबर्स। इतने छोटे एनिमल में, इंसेक्ट में इतने ज़्यादा बड़े, इतने ज़्यादा चेंबर्स, 13 चेंबर्स हार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। नीचे दिए गए में से कौन सी पेयर करेक्टली मैच है? फोटो रिसेप्टर ईयर, यानी कि ईयर फोटो रिसेप्टर है। केमो रिसेप्टर नोज, केमो रिसेप्टर नोज है। फोन रिसेप्टर आई, फोन रिसेप्टर आई है। और गस्टेटरी स्किन, गस्टेटरी रिसेप्टर स्किन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गस्टेटरी स्किन। फोटो रिसेप्टर ईयर नहीं है, फोटो रिसेप्टर आँखें हैं, जो फोटो यानी कि जो लाइट है वो रिसेप्ट करते आए। कीमो रिसेप्टर यानी कि जो केमिकल्स हैं वो कौन रिसेप्ट करता है? वो नोज नहीं करता, नोज ये हवा सुनता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी कि सुगंध से वो पता कर सकता है। कीमो रिसेप्टर शायद ये उतना, कीमो रिसेप्टर एक्चुअली चीमो रिसेप्टर ब्रेन्स में होते हैं, जो केमिकल यहाँ पे ढूंढ निकालती कौन सा केमिकल है। फोन रिसेप्टर ईयर होते हैं, कान होते हैं। फोन रिसेप्टर यानी कि कोई आवाज़ आती है तो सबसे पहले क्या है, ईयर उसे फाइंड करता है। गस्टेटरी यानी स्किन कि कई, गस्टेटरी स्वेटिंग, स्वेटिंग ऑन द फोरहेड यानी कि जब भी घाम कुछ पसीना आता है या फिर कुछ लगता है तो हम स्किन पे देखते हैं कि अगर किसी गर्म चीज़ ने टच किया तो गस्टेटरी रिसेप्टर हमें बताते हैं। गस्टेटरी स्वेटिंग, स्वेटिंग ऑन द फोरहेड, फेस, स्काल्प एंड नेक, ऑकरिंग सून आफ्टर इंजेस्टिंग फूड। इंजेस्टिंग फूड या फिर फूड इंजेस्ट करने के बाद जो स्वेटिंग होती है फोरहेड, फेस पे, स्काल्प पे, नेक पे, वो किसकी वजह से होता है? गस्टेटरी स्वेटिंग की वजह से। सम गस्टेटरी स्वेटिंग इज नॉर्मल आफ्टर ईटिंग हॉट स्पाइसी फूड्स। और सम गस्टेटरी स्वेटिंग जो होती है या फिर पसीना आना वो नॉर्मल है आफ्टर ईटिंग हॉट एंड स्पाइसी फूड, जब आप गर्म और जो जिसे कहते हैं तीखा तीखा खाना खाते उसके बाद जो स्वेटिंग आती है या फिर जो पसीना आता है हमें वो भी नॉर्मल है, वो गस्टेटरी स्वेटिंग का एक प्रकार है। अदरवाइज गस्टेटरी स्वेटिंग इज मोस्ट कॉमनली अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू ए नर्व दैट गोज टू द पैरोटिड ग्लैंड, द लास्ट सलाइवरी ग्लैंड इन द चीक। अगर इसके अलावा अगर आपको स्वेटिंग आती है, गस्टेटरी स्वेटिंग इज मोस्ट लाइकली अ रिजल्ट ऑफ डैमेज, ये डैमेज होता है मोस्ट लाइकली टू ए नर्व दैट गोज टू द पैरोटिड ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड तक जाती है नर्व उस पे, द लास्ट सलाइवरी ग्लैंड इन द चीक। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? तो एक लास्ट सलाइवरी ग्लैंड है चीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी होता है? ऑप्शन है सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए। नाइट ब्लाइंडनेस इज एन इनएबिलिटी टू सी क्लियरली इन डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होते हैं? तो ये इनएबिलिटी होते हैं, ये वो एबिलिटी चली जाती है हमारे से क्लियरली सीइंग इन डिम लाइट। डिम लाइट में हम जो देखते हैं उस देखने की क्षमता को कम करना या फिर न उतने अच्छे तरह से न दिखना क्लियरली, उस एबिलिटी को यहाँ पे वो छीन लेता है विटामिन सी। अगर आप ए, अगर विटामिन ए आप अच्छे से ना ले, उसकी डिफिशियंसी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस से हम डिम लाइट में क्लियरली हम नहीं देख पाते ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और टू ए रेटिनल डिसऑर्डर। एक तो ये विटामिन ए के डिफिशियंसी के वजह से हो सकता है या फिर कोई रेटिनल डिसऑर्डर यानी कि रेटिनल डिसऑर्डर यानी कि डिसीज, इसकी वजह से भी आप क्लियरली नहीं देख सकते डिम लाइट में, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसे किसने इन्वेंट किया? पाश्चर, जेनर, अल्बर्ट साबिन या रोज। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे पाश्चर ने, जेनर ने, अल्बर्ट साबिन ने या रॉस ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन्स ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन्स आर द प्रीडोमिनेंट वैक्सीन यूज्ड इन द फाइट एरिकेट पोलियो। ये प्रीडोमिनेंट वैक्सीन है जो यूज्ड होती है फाइट में, किसके फाइट में? तो इरेडिकेट पोलियो के फाइट में। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन
विच में कंटेन वन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और ऑल थ्री डिफरेंट सीरो टाइप्स ऑफ एडमिनेटेड वैक्सीन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन. कई तरीके टाइप के ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन होते हैं जिन्हें वो विच में कंटेन, यानी कि वो कंटेन कर सकते हैं एक या कॉम्बिनेशन ऑफ दो या सभी ऑल थ्री डिफरेंट सीरो टाइप, तीनों सीरो टाइप्स के वो कंटेन कर सकते कॉम्बिनेशन ऑफ एटोनेटेड वैक्सीन के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ, सब लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स की बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, जो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिशेस से, मॉलस्कस से, रेप्टाइल से या मैमल से. जो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिशेस, मॉलस्कस, रेप्टाइल्स या मैमल्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैमल्स. ब्लू व्हेल, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ ऑल टाइम. ये लार्जेस्ट एनिमल है सभी टाइम में से, ऑफ ऑल टाइम. रीचिंग अ वेट ऑफ अबाउट 198 US tons, यानी कि 198 US ton के बराबर इसका वेट होता है, 180 tons यानी कि, एंड ए लेंथ ऑफ 98 feet यानी कि 30 meter तक, और इसकी लेंथ होती है 30 meter 98 feet की. ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू व्हेल, और ब्लू व्हेल ये लार्जेस्ट एनिमल है सभी टाइम में से, ऑफ ऑल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वॉज रिटन बाय, जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये किसने लिखी थी. यहाँ पे उसका फर्स्ट पेज के आपको यहाँ पे फोटो दिया होगा. द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे लंडन, जॉन वेरवे, एल्बर्ट स्ट्रीम. तो इसने इस किताब को किसने लिखा. ऑप्शन है एस डब्ल्यू फॉक्स, चार्ल्स डार्विन. ऑप्शन थर्ड है एच जे मिलर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पी एल पॉश्चर. तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये किताब किसने लिखी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस वॉज प्रपोज बाय, जो नेचुरल साइंस की थ्योरी है वो किसने प्रपोज की. ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स लाइल. सेकंड, चार्ल्स डार्विन. थर्ड, जेम्स हटन. एंड फोर्थ, कार्लोस लिनियस. तो इन चारों में से किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन. इन 1859 चार्ल्स डार्विन सेट आउट हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर एडेप्टेशन एंड स्पेशलाइजेशन. 1859 में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, बाय नेचुरल सिलेक्शन एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर एडेप्टेशन एंड स्पेशिएशन इन पे लिखी. द कंसेप्ट वॉज सिंपल बट पावरफुल. जो कंसेप्ट था वो सिंपल था लेकिन पावरफुल था. इंडिविजुअल्स बेस्ट एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स. जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेस्ट एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट से सबसे अच्छे जो अडेप्ट कर लेते हैं आर मोर लाइकली टू सर्वाइव. वो सबसे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी कि जो भी एनवायरमेंट के बदलाव को अच्छी तरह से अडाप्ट कर सकता है या फिर जो भी एनवायरमेंट है उसे अच्छे से अडाप्ट कर सकता है वो जिएगा, यानी कि सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करके अपनी आगे की पीढ़ी बढ़ाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ टिपिकल एग्जाम्पल फॉर बायोपेस्टिसाइड. एक टिपिकल एग्जाम्पल कौन सा है बायोपेस्टिसाइड का. ऑप्शन नंबर 1, बैसिलस थुरिंजिनेसिस. सेकंड, बैसिलस सबटिलिस. थर्ड, बैसिलस मेगाटेरियम. फोर्थ, बैसिलस रैमोसस. इन चारों में से कौन सा टिपिकल एग्जाम्पल है बायोपेस्टिसाइड का. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैसिलस थुरिंजिनेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड. ये टिपिकल एग्जाम्पल है बायोपेस्टिसाइड के एग्जाम्पल का. पिक्चर्स गिवन रेफर टू द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस. ये पिक्चर रेफर करते हैं या फिर ऊपर की पिक्चर रेफर करते हैं बैसिलस थुरिंजिनेसिस को. इस पिक्चर को रेफर करते हैं. बायोपेस्टिसाइड्स आर सर्टन टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड. बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं. एक सर्टन टाइप्स के पेस्टिसाइड होते हैं डिराइव फ्रॉम सच नेचुरल मटेरियल्स एज एनिमल्स. और जो डिराइव करते हैं वो नेचुरल मटेरियल से, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टन मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल, कैलोना ऑयल एंड बेकिंग सोडा हैव पेस्टिसाइड एप्लीकेशन एंड आर कंसिडर्ड बायोपेस्टिसाइड.
जो कैनोला ऑयल और बेकिंग सोडा होता है वो पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं एंड आर कंसिडर बायोपेस्टिसाइड, और उन्हें एज ए बायोपेस्टिसाइड कंसिडर भी किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो पैसेलस थुरिंजिनस का सेल है उसका मॉडल है यहाँ पे, उसके फ्लैजिलाज होते हैं मोशंस के लिए, वो फ्लैजिला का यूज़ करते हैं, वो एंडोस्पोर होता है उसके अंदर, डीएनए होता है जिससे वो रेप्लिकेट कर सकता है, प्लाज्मिड भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, प्लाज्मोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोया, ऑप्शन नंबर 2 वायरस, ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर 4 फंगस। तो इन चारों में से किस ग्रुप को प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोया। प्लाज्मोडियम इज ए जीनस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्लाज्मोडियम क्या है? ये जीनस होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वर्टिब्रेट्स के और इंसेक्ट्स के। द लाइफ साइकल्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन्वॉल्व डेवलपमेंट इन ए ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होस्ट विच देन इंजेक्ट्स पैरासाइट्स इनटू ए वर्टिब्रेट होस्ट ड्यूरिंग ए ब्लड मील। जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम स्पीसीज की वो इन्वॉल्व करती है डेवलपमेंट इन ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होस्ट विच देन इंजेक्ट्स पैरासाइट्स इनटू ए वर्टिब्रेट होस्ट ड्यूरिंग ए ब्लड मील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एयर पोल्यूटेंट डिस्ट्रॉय द, जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? ऑक्सीजन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, नाइट्रोजन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लाउड लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं या ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओजोन लेयर को। एयर पोल्यूटेंट्स डैमेज ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं? डैमेज करते हैं किसको? ह्यूमन हेल्थ को, यानी कि मानवी शरीर को, यानी कि मानवी हेल्थ को, एंड एनवायरमेंट को, यानी कि परिसर को, जो हमारे एनवायरमेंट है आसपास की भौगोलिक चीज़ है उसे। पार्टिकुलेट्स रिड्यूस वसिबिलिटी, जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो रिड्यूस विजिबिलिटी रिड्यूस होती है उनकी। अल्टर द वेदर एंड कॉज लंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा अटैक्स। जो पार्टिकल्स करते हैं वो विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मोक होता है, यहाँ पे दिल्ली पे आपको बहुत ही एग्जाम्पल मिलेंगे स्मोक के, जो स्मोक और यहाँ पे पोल्यूटेंट के बीच से मिलता है, उसके रिएक्शन से होता है, जिससे वजह से जो विजिबिलिटी होती है, या फिर कभी आपको विंटर्स में आप देखेंगे कि रात को या फिर शाम के वक्त वो धुआं या फिर सुबह के वक्त धुआं नज़र आता है, तो उसे विजिबिलिटी कम होती है, और उस तरह की विजिबिलिटी कम करना। आफ्टर द वेदर के बाद एंड कॉज लंग प्रॉब्लम्स सच एज अस्थमा अटैक्स, और लंग्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं उसका एग्जाम्पल है, लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट करना, अस्थमा अटैक्स भी आ सकता है। ओजोन डैमेजेस प्लांट्स एंड कैन ऑल्सो कॉज लंग डिसीज। ओजोन के डैमेज होने की वजह से प्लांट्स को डैमेज हो सकते हैं या फिर लंग डिसीज यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं ह्यूमंस में। द ओजोन होल कॉज बाय ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स अलोज मोर यूवी रेडिएशन टू स्ट्राइक द अर्थ। जो ओजोन होल है जो ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स से बना होता है, ओजोन लेयर में जो गड्ढे पड़ जाते हैं केमिकल्स की वजह से, ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स की वजह से क्या करते हैं वो, उसकी वजह से वो होल अलो करते हैं मोर यूवी रेडिएशन टू स्ट्राइक द अर्थ, यानी कि अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में यूवी रेडिएशन स्ट्राइक करने को वो अलो करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ खराब होते हैं और एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द बायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम आर। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं इकोसिस्टम में? ऑप्शन नंबर 1 प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स एंड बैक्टीरिया। इन चारों में से कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं? अब तो नीचे देंगे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑल आर करेक्ट। इन चारों में से सभी के सभी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम के। प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ। मशरूम किसके रिच सोर्स होते हैं, यानी कि मशरूम की वजह से किस कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं हमें ज़्यादा मात्रा में, मिनरल्स मिलते हैं हमें ज़्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कुछ भी नहीं मिलता इनमें से कुछ भी नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन्स। मशरूम्स आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, वो रिच सोर्सेस होते हैं प्रोटीन्स के, यानी कि मशरूम खाने से हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स इन ए चाइल्ड आर। जो सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के जो बच्चों में दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? क्रैटल एग्स, पिजन चेस्ट, मतलब यानी कि जो
सिम्टम्स होते हैं रैकेट्स के, वो क्या होते हैं? क्रैटल एग्स, क्रैटल लेग्स एक्चुअली, यानी कि जो पैरों का है वो थोड़ा क्रैटल हो जाना। पिजन चेस्ट, यानी कि चेस्ट जो होना है वो थोड़ी सी सॉफ्ट, मतलब पिजन चेस्ट यानी कि कम हो जाना। सॉफ्ट बोन्स, और बोन्स जो होते हैं बॉडी के वो सॉफ्ट हो जाना। या गम ब्लीडिंग, यानी कि जो मसूड़ों से हैं वो खून आना, ये सब। तो इनमें से कौन से सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ये दोनों ही सिर्फ क्रैटल लेग्स, यहाँ पे एग्स है वो गलत है, क्रैटल लेग्स यानी लेग्स को क्रैटल होना, और पिजन चेस्ट यानी कि जो चेस्ट है वो कम हो जाना, थोड़ी सिकुड़ जाना। ये दोनों यहाँ पे सिम्टम्स है रिकेट्स के। सिम्टम्स और रिकेट्स इंक्लूड, ये देखिए पूरे सिम्टम्स है रिकेट रिकेट के, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। पेन और टेंडरनेस इन द बोन्स ऑफ द आर्म्स, यानी कि जो पेन होना या फिर टेंडरनेस होना बोन्स में, आर्म्स के, लेग्स के, पेल्विस के और स्पाइन के। पेल्विस यानी कि जो स्पाइन का नीचे का भाग है, पेल्विस गिड्डे के नीचे सबसे जो पेल्विस, और जो मंकी जिसे हम माकड़ हाड़ कहते हैं उसके थोड़ा सा आगे का बाजू का, तो वो पेल्विस है। स्पाइन को पेन होना स्पाइन में, आर्म्स में, पेल्विस में, लेग्स में। स्टंट ग्रोथ एंड शॉर्ट स्टैचर, ग्रोथ को स्टंट करना यानी कि रुक जाना, और शॉर्ट स्टैचर यानी कि छोटा छोटा दिखना, यानी कि जो बॉडी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि जो हाइट होती है वो कम होती है। बोन फ्रैक्चर्स, बोन फ्रैक्चर हो जाना। मसल क्रैम्प्स, क्रैम्प मसल में क्रैम्प्स आना। टीथ डिफॉर्मिटीज, दांत को डिफॉर्मिट्स होना, सच एज डिलेड टूथ फॉर्मेशन, होल्स इन द इनेमल, डिलेड टूथ फॉर्मेशन, टूथ का यहाँ पे डिले होना, फॉर्मेशन होना, होल्स इन द इनेमल, इनेमल में होल्स होना। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी होते हैं, इंक्लूडिंग एन ऑडली शेप्ड स्कल, ऑडली शेप्ड स्कल हो जाता है, बो लेग्स होते हैं, और लेग्स दैट बोल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स यूजुअली इन प्रोटीन आर, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में वो यूजुअली कितने होते हैं? 21, 25, 23 या 20? जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में वो है 20। अमीनो एसिड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट मोनोमर्स दैट मेकअप प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स क्या है? तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स में बहुत ही ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं, जो अमीनो एसिड वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मोनोमर्स होते हैं। दे जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म शॉर्ट पॉलीमर चेन्स कॉल्ड पेप्टाइड्स, और लॉन्ग चेन्स कॉल्ड आइदर पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन। वो जॉइन होते हैं एक साथ किस क्या क्या करने के लिए, तो फॉर्म करने के लिए, क्या? शॉर्ट पॉलीमर चेन्स, शॉर्ट पॉलीमर चेन्स उन्हें क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड्स। और लॉन्ग चेन्स कॉल्ड आइदर पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन। जो लॉन्गर चेन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं। दिस पॉलीमर्स आर लीनियर एंड अनब्रांच। ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो लीनियर होते हैं और अनब्रांच होते हैं। विथ ईच अमीनो एसिड विद इन द चेन अटैच टू द टू नेबरिंग अमीनो एसिड्स। इन जनरल द जेनेटिक कोड स्पेसिफाइज 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। हाउएवर इन सर्टन ऑर्गेनिजम्स द जेनेटिक कोड कैन इंक्लूड सेलेनोसाइटोसिन, स्टीन एंड इन सर्टन आर्चियो पैरालाइसिन पैरालाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वाटर सोलबल विटामिन्स आर, वाटर सोलबल विटामिन्स कौन से होते हैं? B1, B2, B6, B12 या C, या फिर A एंड D, थर्ड ऑप्शन A एंड C, एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन ऑल्सो D ऑल्सो एक्चुअली, तो दूसरा ऑप्शन चाहिए था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, B1, B2, B6, B12 एंड C आर द वाटर सोलबल विटामिन्स। ये वाटर सोलबल विटामिन्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं वो 8 होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, 8 ऑफ द वाटर सोलबल विटामिन्स आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। थियामिन विटामिन, ये विटामिन बी, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थियामिन। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 को, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन। नियासिन उसे क्या कहते हैं? विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। B6 को क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन, विटामिन B6। फोलेट फोलिक एसिड विटामिन B12, बियोटीन एंड पैंथोथिनिक एसिड। ये 8 वाटर सोलबल विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के। नेक्स्ट और एक आप एक नेक्स्ट ले सकते सी, ये और इसे डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि बी और सी, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं। वाटर सोलबल विटामिन्स आर बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डाइजेशन ऑफ फैट इल्स, फैट के डाइजेशन से क्या मिलते हैं? फैटी एसिड्स,
ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, यानी कि जब फैट का डाइजेशन होता है, यानी कि वो रिड्यूस होते हैं छोटे छोटे मात्रा में, मतलब कम कम, 2 से 1, 1 1, अगर आप 10 ले तो उसके 5 5, फिर 5 के 3 2, 3 2, फिर 1 1 1 1 1 1 10, इस तरह से। तो हमें क्या मिलते हैं? फैटी एसिड्स मिलते हैं, ग्लिसरॉल मिलते हैं, अमोनो एसिड मिलते हैं, ग्लूकोज मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 एंड 2, दो चीज़ें मिलते हैं, फैटी एसिड मिलते हैं और ग्लिसरॉल मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। डाइजेशन ऑफ फैट यील्ड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सक्रोज डाइजेशन यील्ड्स द शुगर, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। जो सक्रोज डाइजेशन होता है, सक्रोज के डाइजेशन से हमें क्या मिलते हैं? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ये दो शुगर्स मिलते हैं, विच आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो रेडिली ऑब्जर्व होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, द प्रेजेंट ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज फ्रॉम द पैनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम द लीवर टू इनेबल द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स इन टू द फैटी एसिड। जो प्रेजेंस ऑफ फैट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है? तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, दैट स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। जो क्या करता है? जो रिलीज रेट होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज का, उसे स्टिम्युलेट करता है, किससे? फ्रॉम द पैनक्रियास से, एंड बाइल फ्रॉम द लीवर, और जो लीवर से बाइल के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करता है, टू इनेबल द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू द फैटी एसिड। किसके लिए? तो इनेबल, यानी कि अच्छी तरह से ब्रेकडाउन होना फैट्स का, फैटी एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ऑर्गन दैट रिमूव्स नाइट्रोजिनियस वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा ऑर्गन होता है जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट को रिमूव करता है ह्यूमन बॉडी से? उसके ऑप्शन है स्किन, लंग्स, किडनी, रेक्टम। वो त्वचा होती है, वो लंग्स होती है, वो किडनी होती है, रेक्टम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किडनी। द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स होते हैं थ्रू विच एक्सेस नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नाइट्रोजिनियस वेस्ट और नाइट्रोजन वेस्ट। द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स थ्रू विच एक्सेस नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जो नाइट्रोजन कंपाउंड जिसकी वजह से एक्सेस नाइट्रोजन ये एलिमिनेट होता है या फिर वो कम हो जाता है ऑर्गेनिज्म से, जो एक्सक्रीशन इस पार्ट की वो एलिमिनेट होता है, आर कॉल नाइट्रोजिनियस वेस्ट और नाइट्रोजन वेस्ट, उसे नाइट्रोजिनियस वेस्ट कहा जाता है या नाइट्रोजन वेस्ट कहा जाता है। दे आर अमोनिया, उसके एग्जांपल्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन, ये चार होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। ऑल ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सभी सब्सटेंसेस किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। किडनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, किडनी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन वेस्ट ह्यूमन बॉडी से। ये देखें यहाँ पे किडनी की एनाटॉमी दिखाई गई है, जो बाहर का सरफेस है ऊपर का उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, फिर ये देखिए जो बाहर की लेयर उसे रीनल कॉर्टेक्स, जो बीच के हैं उसे रीनल मेडुला, जो रीनल मेडुला के नीचे का भाग होता है उसे रीनल पैपिला कहते हैं, ये रीनल पिरामिड्स हैं जो पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, वो रीनल कॉलम्स नीचे के, फिर फाइब्रस कैप्सूल जिसमें रीनस कॉर्टेक्स और रीनस बाहर का जो त्वचा वो कवर होते हैं, ये माइनर कैलिक्स, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये माइनर कैलिक्स हैं, ये मेजर कैलिक्स हैं, जो बड़े मेजर कैलिक्स से छोटे छोटे माइनर कैलिक्स हर रीनल पिरामिड्स में जाते हैं, ये यूरेटर हैं, जिससे यूरेटर यानी कि जो मेन यहाँ पे आप कहते हैं जिससे पैसेज निकलते हैं वाटर या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट अभी कोई भी वेस्ट वो उससे निकल के यूरिन में कन्वर्ट होता है, रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस है, ये देखिए रीनल वेन जो छोटी है और रीनल आर्टरी बड़ी है, हीलम, ये देखिए ये किडनी आपके पेट के थोड़ी सी नीचे होती है एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए आज के 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, ये जूलॉजी का फर्स्ट सेट है जहाँ पे हमने जूलॉजी इस टॉपिक पे सबसे पहले एक क्विज यहाँ पे बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, आपको कुछ इससे ज्ञान मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका साथ, प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए, और इसी तरह से कंसिस्टेंटली अभ्यास पढ़ाई करते रहिए, स्टडी को फोकस, स्टडी यहाँ पे आपको हमेशा कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलती है, फोकस रखिए स्टडी पर, धन्यवाद।